नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। कार में डकैती की योजना कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मासूम बेटी बनी हवस का शिकार, सेना के वाहन ने युवक को कुचला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कार में डकैती की योजना कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागपुर में कार में सवार होकर डकैती की योजना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए अपराधियों को MIDC पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सत्वी सुरेंद्र घोरगड़े हरिनगर बेसा पवन राजमार्ग पर रहते और इन्हीं के साथीदार मनीष संदीप जो की भरत वर्गा महाकाली नगर पर रहते, जिसके चलते जितेंद्र गजांद्रे और संजय सावंत इन चारों ने मिलकर सावित्री फुले नगर में अजनी के यहाँ चोरी की। MIDC पुलिस ने 4 सितंबर की रात कार के सवार आरोपी संदिग्ध अवस्था में नजर आए। पुलिस ने कार को रोक कर तलाशी ली, आरोपी के पास से हथियार मिले। आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मासूम बेटी बनी हवस का शिकार, नागपुर में एक नराधम ने रिश्तों को कलंकित कर मासूम बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया। यह घटना MIDC थाने के तहत हुई। बुधवार शाम 6 से 5 वर्षीय पीड़ित बालिका की मां बर्तन धोने का काम करती है। बालिक पिता के साथ खेल रही थी, रोने की आवाज सुनी वह कमरे में आई तो पति बेटी के साथ अपत्यजनक कृत्य करते हुए नजर आया। इस कृत्य के सवाल खड़े होने पर आरोपी पत्नी ने गाली देकर पीटने लगा। बुधवार की रात महिला बेटी के साथ MIDC थाने पहुंची, उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रॉक्स तथा छेड़खानी का मामला दर्ज, आरोपी को हिरासत में लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना के वाहन ने युवक को कुचल दिया, नागपुर में सेना वाहक के दोपहिया सवार युवक को कुचल डाला। इस घटना से गुस्साए नागरिकों ने गुरुवार की दोपहर कामटी के छावनी परिसर में रास्ता रोको आंदोलन कर दोषी को खिलाफ कार्रवाई करने की मांग बताई और साथ में मुआवजा भी देने की मांग जताई। इससे कुछ देर के लिए तनाव निर्माण हो गया। मुक्ताली कुनाल नंदन कुलसारे गोरा बाजार छावनी का रहने वाला है। इसी के साथ कुनाल बुधवार की रात 8 बजे अपने मित्र के साथ दोपहिया पर सवार होकर सामान खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। उसी वक्त तोप चौक पर सेना क्विंटन के वाहन के दोपहिया को टक्कर मार दी। सेना वाहक की चपेट में आकर कुनाल की गंभीर रूप से जख्मी हो गया, उसे अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु घोषित। पुरानी कामटी पुलिस ने सेना वाहक चालक के खिलाफ दुर्घटना का मामला दर्ज किया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों को ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज TV पर। नमस्कार, नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।